Ladies and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए दिस इज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो पार्ट 6 था वो आपके लिए लेके आ गए हैं। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन जो है, हालांकि हमने इसके पहले वीडियो के 5 पार्ट कर लिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं कम हो पाए हैं, लेकिन उनमें जो है क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्टेंट है आपको पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में दिया गया है। कॉन्टेंट से मतलब ये कि हमने केवल 20 क्वेश्चन ही नहीं करवाए, हर क्वेश्चन हर मतलब कि 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन में हमने हर क्वेश्चन के साथ चार चार अलग चीज़ें भी उसमें, चार से पांच अलग चीज़ें भी हमने उसमें बताई है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके यहीं काम नहीं आने वाले, बल्कि आपके जितनी भी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिशन उनमें सब में काम आने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ आपको बता दें कि वीडियो आप देख तो लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही साथ कमेंट में वंदे मातरम लिख दिया करें ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। करते हैं स्टार्ट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप रक्षा संस्थान NIPPT, राष्ट्रीय पादप रक्षा संस्थान NIPPT कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका? हैदराबाद में स्थित है ना। रॉबर्ट कोच किसके लिए जाने जाते हैं? तो रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक है ना, मतलब बैक्ट्रोलॉजी के लिए जो रॉबर्ट कोच है उनको फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक यानी कि टेक्निक ऑफ बैक्ट्रोलॉजी के लिए, फर्स्ट बैक्टेरियल इटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज है ना, इनको किस लिए जाना जाता है? रॉबर्ट कोच को जाना जाता है, उनको माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टेरियोलॉजी के पिता मां माना जाता है। सेकंड बात है, फर्स्ट टाइम इन्होंने बैक्टेरियल एटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज, जो एंथ्रेक्स डिजीज है उसकी बैक्टेरियल एटियोलॉजी के बारे में इन्होंने पता लगाया। कोच ऑफ पोस्टुलेट्स, इसके बारे में इन्होंने पता लगाया, इसलिए इनको हम इन चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे हम कि रोगग्रस्त पौधों की सेल का मरना क्या कहलाता है? तो नेक्रोसिस। रोगग्रस्त पौधों की सेल का मरना क्या कहलाता है आपका? नेक्रोसिस कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैथोजन के किसी होस्ट के अंदर जाना क्या कहलाता है? तो पैथोजन का किसी होस्ट के अंदर जाना इन्फेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? इन्फेक्शन कहलाता है। यदि पैथोजन किसी होस्ट के अंदर जाता है तो उसे हम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इन्वेंशन, अब पैथोजन किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्वेंशन क्या होता है? पेनेट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन होस्ट। इन्वेंशन क्या होता है कि पेनेट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन होस्ट, मतलब कि पैथोजन का होस्ट के अंदर ही पेनेट्रेशन करना और स्प्रेड करना, है ना। पादप वायरस में अनुवांशिकी पदार्थ 78% होता है। जो पादप वायरस होते हैं उनमें अनुवांशिकी पदार्थ कितना होता है? 78% होता है। वह कौन सा है? तो SRNA, सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है, या 78% इसका होता है। कौन सा RNA होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 26 नंबर क्वेश्चन की। पादप वायरस में सबसे बड़ा परिवार, जो पादप वायरस है उसमें सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो पोटीवायरिडी जो होता है आपका पादप वायरस में सबसे बड़ा परिवार है। कौन सा? पोटीवायरिडी जो होता है आपका सबसे बड़ा परिवार है पादप वायरस में। अकार्बनिक कॉपर फंगिसाइड प्रभावी होता है। जो अकार्बनिक कॉपर फंगिसाइड होता है वो किसके लिए प्रभावी होता है? फंगल और बैक्टीरियल डिसीज के लिए। अकार्बनिक कॉपर फंगिसाइड जो होता है वो आपके फंगल और बैक्टीरियल डिसीज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी या प्रभावी होता है। सबसे बड़ा फाइलम ग्राम नेगेटिव फाइलम जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है? तो आपका कौन सा है? प्रोटोबैक्टीरिया। कौन सा? प्रोटोबैक्टीरिया जो होता है ये इसमें आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है, जो कि सबसे बड़ा फाइलम भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? गन्ने का लाल विगलन रोग, ये लाल सड़न रोग। गन्ने का जो लाल सड़न होता है रेड रोट रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपका? रेड रोट होता है ना, रेड रोट होता है, जिसको 1906 में इजे बटलर के द्वारा लाल सड़न रोग को क्या नाम दिया गया था? लाल विगलन नाम दिया गया था। ये जो लाल विगलन नाम है किसके द्वारा दिया गया था? आपके इजे बटलर के द्वारा दिया गया था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? तो आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, जो कि एक कैसी डिसीज है आपकी? एक फंगल डिसीज है ना, फंगल डिसीज है। हम हर क्वेश्चन में तीन चार बातें आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो लंबा होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है कि हमें वीडियो बिना बात पर कोई लंबा नहीं करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम बताते हैं ना। जीवाणु रोग कौन सा होता है? जीवाणु रोग जो होता है कौन सा होता है? क्राउन सेल जिसकी होती है, वो जीवाणु रोग जो होते हैं उसमें क्राउन सेल्स जे सेल्स होती है ना। और टिक्का रोग संबंधित है, टिक्का रोग आपकी किससे? पीनट यानी कि आपकी मूँगफली से संबंधित होता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है आपका? मूँगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है आपका? मूँगफली से संबंधित होता है। मूँगफली का टिक्का जो होता है मूँगफली का सबसे हानिकारक रोग होता है। बीज जनित रोग है ना, बीज जनित रोग कौन सा नहीं है? तो आलू का मोजक रोग कौन सा होता है? ये बीज जनित रोग नहीं होता, कैसा होता है? वायरस रोग होता है ना, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है आलू का मोजक रोग। वैसे जितने मोजक रोग होते हैं जो होते हैं आपकी फल एक मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 क्या है? सेब का रोग है। सेब का रोग कौन सा है आपका? अग्निदोष रोग। अग्निदोष रोग क्या है आपका? सेब का रोग है। अग्निदोष एक क्या है? सेब का रोग का नाम है। गन्ने के रोग, गन्ने के रोग है ब्लैक रोट, ब्लैक स्ट्रिप, आई स्पॉट ना, ब्लैक रोट है ना, ब्लैक स्ट्रिप और आई स्पॉट, ये सभी क्या है? गन्ने के रोग हैं। स्लत, स्लतकंड रोग है। स्लतकंड किसका रोग है? तो आपके गेहूँ का। स्लतकंड किसका रोग है आपके? गेहूँ का रोग है। स्लतकंड किसका रोग है आपके? गेहूँ का रोग है। बात करते हैं केले में पंचीटॉप रोग होता है। केले में पंचीटॉप किससे होता है आपका? वायरस के द्वारा होता है। केले में पंचीटॉप जो रोग होता है किसके द्वारा होता है आपके? वायरस के द्वारा होता है ना। केले में पंचीटॉप रोग आपके किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ये आपके हटा देते हैं ताकि आपके आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आलू में पछेती झुलसा रोग, आलू में जो पछेती झुलसा रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। आलू का पछेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है आपका? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। पछेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। फूल गोभी का क्लब रूट, फूल गोभी में जो क्लब रूट रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिस है ना, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिस के द्वारा होता है। कौन सा रोग होता है? क्लब रूट रोग होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा पछेती झुलसा रोग होता है ना। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? लुईस पाश्चर को है ना। लुईस पाश्चर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर को कहते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ओज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो ओज टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है? तो ओज टेस्ट आपके बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। क्रूसीफेरस का वाइट रस्ट किससे होता है? क्रूसीफेरस में होने वाला जो वाइट रस्ट होता है किसके द्वारा होता है? तो आपका एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्रूसीफेरस में होने वाला वाइट रस्ट किसके द्वारा होता है? एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है। पपीता मोजेक रोग वायरल डिसीज होती है। मैंने आपको बताया जितने मोजेक रोग होते हैं कैसे होते हैं? सारे वायरस से होने वाले रोग होते हैं। धान का भूरा धब्बा रोग, धान का जो ब्राउन स्पॉट रोग होता है किसके द्वारा? हेल्मिंथोस्पोरम ओराइजी के द्वारा होता है। धान का भूरा धब्बा रोग या ब्राउन स्पॉट रोग क्या है? बेंगोल फेमिन का कारण है। किसका कारण? बेंगोल फेमिन का। 1943 कौन सी? 1943 बेंगोल फेमिन। ओके, देखिए क्या है आपका? बेंगोल फेमिन का कारण भी यही है ना, हेल्मिंथोस्पोरम ओराइजी कारण ही आपका क्या है? बेंगोल फेमिन भी हुआ था। क्या हुआ था? बेंगोल फेमिन भी हुआ था है ना। कब हुआ था? 1943 में ही आपका बेंगोल फेमिन हुआ था। बेंगोल अकाल जिसको हम बंगाल के अकाल के नाम से जानते हैं ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिस्टेमेटिक फंगिसाइड किसके द्वारा खोजा गया? तो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड वॉन स्केलमिन एंड कोलका, किसके द्वारा? वॉन स्केलमिन एंड कोलका के द्वारा खोजा गया था। बायो कंट्रोल में उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा? बायो कंट्रोल के लिए उपयोगी बैक्टीरिया स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। कौन सा? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है बायो कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिन वीटावैक्स किसके लिए अत्यधिक प्रभावी? कार्बोक्सिन वीटावैक्स किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो आपका स्मट्स डिसीज, स्मट डिसीज के लिए क्या होता है? कार्बोक्सिन वीटावैक्स सबसे ज़्यादा उपयोगी या प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या? बाजरा में डाउनी मिल्ड्यूट रोग किसके द्वारा होता है? जो बाजरा का डाउनी मिल्ड्यूट होता है किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, किसके द्वारा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। बाजरा का अर्गट रोग, बाजरा का डाउनी मिल्ड्यूट रोग है ना।
वाइजरा का डाउनी रोग किसके द्वारा होता है आपका? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के द्वारा होता है बाजरा का डाउनी मिल्ड्रिड रोग। अगार अगार किससे प्राप्त होता है? तो जो अगार अगार है आपका नोस्कोट या रेड एल्गी के द्वारा प्राप्त होता है। जो अगार अगार तत्वीय पदार्थ होता है किसके द्वारा? नोस्कोट या रेड एल्गी के द्वारा प्राप्त होता है। विश्व में पहला ट्रांसजेनिक पादप, विश्व का पहला ट्रांसजेनिक पादप आपका टोबैको है। विश्व का पहला ट्रांसजेनिक पादप आपका कौन सा है? टोबैको है ना। बाजरा का डाउनी मिल्ड्रिड रोग किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपके क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा नियंत्रित होता है। कौन सा? बाजरा का डाउनी मिल्ड्रिड रोग। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपको क्लोरीन के द्वारा नियंत्रित होता है। बात करते हैं हम गेहूँ ना, बाजरा का डाउनी मिल्ड्रिड रोग किसके द्वारा होता है? क्लोरीन से नियंत्रित होता है। गेहूँ का ढीला कंड, गेहूँ का ढीला कंड यानी कि लूज स्मट। कौन सा? लूज स्मट। ढीला कंड को हम क्या लूज स्मट के नाम से भी जानते हैं। गेहूँ का लूज स्मट जो होता है किस उसका पैथोजन कैसा होता है? तो अंतः बीजोड़ होता है। ये क्या ना कैसा होता है? अंतः बीजोड़ होता है। आंतरिक बीज पर परजीवी भी बोल सकते हैं इसको। डाउनी मिल्ड्यूड पाउडरी मिल्ड्यूड पर सर्वाधिक प्रभावी फंगीसाइड कौन सा है? तो सल्फर फंगीसाइड यानी कि केराथन जिसको हम बोलते हैं ना। पाउडरी मिल्ड्यूड पर सर्वाधिक प्रभावी फंगीसाइड जो आपका डाउनी मिल्ड्यूड या फिर आपको केराथन है ना, केराथन जो बोलते हैं वो आपके लिए इसका होता है सल्फर फंगीसाइड। केराथोन यह सर्वाधिक उपयोगी होता है। आलू में लीफ कर्ल हेतु उत्तरदायी, आलू में लीफ कर्ल हेतु उत्तरदायी आपका एपिस्ट होते हैं है ना, एपिस्ट होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पहली बैक्टीरियल बीमारी कौन सी है? तो पहली बैक्टीरियल बीमारी आपकी फायर ब्लाइट ऑफ पियर ना, फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो है आपकी पहली बैक्टीरियल डिसीज है। आलू के पचेती झुलसा और वाइट रस्ट के लिए उत्तरदायी फंगस, आलू के पचेती झुलसा और वाइट रस्ट के लिए उत्तरदायी फंगस कौन सी आपकी? पेरेनोस्पोरल्स। कौन सी? पेरेनोस्पोरल्स जो होती है आपकी, या आलू के पचेती झुलसा और वाइट रस्ट के लिए प्रभाव वो मतलब कि उत्तरदायी फंगस होती है। सिट्रस कैंकर के लक्षण कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं? सिट्रस कैंकर के जो लक्षण होते हैं वो लीव्स में, फ्रूट्स में और ब्रांच में। कहाँ पर? लीव्स, फ्रूट्स और ब्रांच पर प्रकट होते हैं। किसके द्वारा होता है सिट्रस कैंकर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन आपका है ना। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई के द्वारा आपका कौन सा रोग होता है? कैंकर, सिट्रस कैंकर रोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है ना। क्वेश्चन नंबर 56 है फसल चक्र अपनाने की सलाह किसके विरुद्ध दी जाती है? तो फसल चक्र अपनाने की सलाह सोइल बोर्न डिजीज जो होती है आपकी मृदा जनित जितनी बीमारियां होती हैं उनके लिए, सोइल हेल्थ के लिए में इम्प्रूवमेंट के लिए। ब्लैक मिल्ड्यूड इन मैंगो तो मेलिकोला मैंगीफेरी के द्वारा होती है। नींबू के बैक्टीरियल स्पॉट के का कारक में नींबू का बैक्टीरियल स्पॉट का कारक कौन सा? जेंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी सिट्रोमेला। नींबू का जेंथोमोनास बैक्टीरियल डिसीज जो होती है स्पॉट उसका कारक कौन है? जेंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी सिट्रोमेला होता है। और जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई जो होता है आपका सिट्रस कैंकर का होता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा वीडियो का बहुत जल्द आने वाला है, 7th पार्ट। और इस ये कंटेंट अच्छा लगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कंटेंट अच्छा लगे तो केवल आपको कमेंट में जा कर के इतना सा लिख देना है ना, वंदे मातरम लिख देना है जिससे हमें लगा कि आपको कंटेंट अच्छा लगा। साथ ही हमें ज्वाइन करने के लिए 7697505033 पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ PDF भी मिल जाएगा। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।